नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो चैनल पे सबसे पहले आज की वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों ने इस चैनल का सपोर्ट किया है मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को लेक्चर टाइम पे मिलते रहेंगे तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लासी टू बैटल ऑफ बक्सर मतलब कि प्लासी से हम बैटल ऑफ बक्सर तक का एक एनालिसिस करेंगे ठीक है जिसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों का शासन कैसे यहाँ पे शुरू हुआ तो देखो हिंदुस्तान के इतिहास में यदि गद्दारों की बात हो जिसने अपने राजा को ही धोखा दे दिया तो मीर जाफर को कौन भूल सकता है ना मीर जाफर का नाम तो माइंड में पक्का आता होगा जैसे कि मैंने पार्ट फाइव में आपको बताया था कि मीर जाफर जो कि कमांडर था सिराजुद्दौला का अपने ही राजा को धोखा दे दिया राजा बनना, बनने के लिए कल्पना करो जरा कि मानो आप प्लासी का युद्ध देख रहे होते तो देखते कि एक तरफ सिराजुद्दौला खड़ा होता दूसरी तरफ मीर जाफर अपनी सेना के साथ खड़ा था और सिराजुद्दौला की सेफ्टी के लिए खड़े थे मीर मदन और मोहनलाल और एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा प्लासी के युद्ध के टाइम पर उधर कर्नाटक का युद्ध भी चल रहा था इसका मतलब था कि अंग्रेजों की ज्यादातर जो सिपाही थे कर्नाटक में थे कुछ सिपाही बंगाल में थे लेकिन ये कुछ सिपाही इस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर खड़े थे कि भले ही सामने बहुत बड़ी सेना दिख रही हो लेकिन मीर जाफर की तो पूरी सेना लड़ने वाली है नहीं बाकी कुछ सेना क्या करेगी मीर मदन मोहन लाल को लगा कि सामने कुछ लोग हैं हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं अभी मार के खत्म कर देते हैं भाई अटैक कर दिया इन लोगों ने लेकिन प्लासी का युद्ध शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही मार दिए गए दोनों जैसे दोनों मरे सिराजुद्दौला बोले कि मीर जाफर क्या सोच रहे हो मीर जाफर ने कहा देखिए सर अभी तक तो दिख रहा है मीर मदन गए मोहन लाल गए कहीं आप ना चले जाओ आपका जीवित रहना बड़ा जरूरी है आप नवाब हो एक काम करो राजमहल चले जाओ बाकी यहां हम सब देख लेंगे यहाँ पर जैसे ही सिराजदौला को कि लगा भाई कि चलो घर चलते हैं हमारा कमांडर हमारी सेफ्टी सोच रहा है लेकिन रास्ते में, में ही मीरन नाम का एक मीर जाफर का बेटा इसका इंतजार कर रहा था और आते ही जैसे ही सिराज आए उस रास्ते से वैसे ही सिराजुद्दौला को क्या किया खत्म कर दिया और यदि सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई तो अब बंगाल का नवाब कौन बना मीर जाफर भाई लालच बुरी बला है, है ना कहावत तो सुनी होगी वैसे तो मीर जाफर को लगा था कि नवाब बनने के बाद मैंने बहुत सारी पावर का यूज करूंगा लेकिन आपको क्या लगता है अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब इसलिए बनाया था कि मीर जाफर पावर का यूज कर सके इसलिए बनाया था कि हमारा कठपुतली बनके रहे जो बोलूं करे अच्छा आप लोग एक बात बताओ कि प्रकाश राज किसी मूवी में हो और वो किसी को मंत्री बना ले मंत्री अपने मन की कर पाएगा जितनी मूवी मैंने देखा है प्रकाश राज की प्रकाश राज की मंत्रियों की हालत खराब होती जरा सी दिक्कत हुई तुरंत पहुंच जाएंगे कि भाई बता मिनिस्टर किसने बनाया चीफ मिनिस्टर हो चाहे होम मिनिस्टर हो सबके हाथ पाव कांपते रहते मीर जाफर को लगा भाई की नवाब बनाने को बोला था पावरफुल बनाने को बोला था लेफ्ट तो लेफ्ट तो लेफ्ट राइट तो राइट मतलब तो जहां बोलो जो बोलो वो ये क्या बात हो गई अंग्रेज चाहते थे कि ये हमारी कठपुतली बन के रहे मीर जाफर चाहता था कि अंग्रेज हमारे इशारों पर नाचे आपको जानकर आश्चर्य होगा एक बात कि मीर जाफर से अंग्रेजों ने इतना सोना चांदी वसूला कि कहते हैं कि इसे अपने घर का बर्तन तक देना पड़ गया जो सोने के थे उस टाइम पे ये हालत थी अब इसका दिमाग खराब हुआ इसको लगा था कि भाई बंगाल हमारा लेकिन ये तो हमने दुश्मनों को दे दिया अपने ही लोगों को मारकर मीर जाफर गुस्सा हो गया इसी समय बंगाल में हुआ करते थे डच और मीर जाफर ने मांगी मदद डचों से अच्छा यहाँ पे जब मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट पढ़ा रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का तो उसमें मैंने जब डच को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डच और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे युद्ध हुआ था तो ये बात देखो यहाँ पे वही यहाँ पे था कि मीर जाफर ने मदद मांगी उस टाइम पे डचों से और आप लोग अब कहानी स्टोरी समझ गए होंगे स्टार्टिंग से अब तक की तो मीर जाफर ने डचों से मिलकर दोनों की दुश्मने को भाई अंग्रेजों ने हराने का प्रयास किया मीर जाफर और डच जो है डच के भी दुश्मन कौन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो सोचा कि दोनों मिल लेते हैं दोस्त का भाई दुश्मन का जो दुश्मन क्या होता है दोस्त होता है इन्होंने सोचा कि भाई दोनों मिल लेते हैं और इनको क्या करते हैं हराने का प्रयास किया लेकिन सत्रह ईस्वी में युद्ध हुआ बैटल ऑफ वेदरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ने दोनों को हरा दिया और डच हमेशा के लिए कहा चले गए इंडोनेशिया चले गए इसके बाद जो नवाब बना बंगाल का वह था मीर कासिम और इसका जो टाइम पीरियड था वह था से लेके 1763 थ्री तक है ना यह व्यक्ति भी अंग्रेजों से भाई बड़ा परेशान हो गया था और इसने जो इसकी कैपिटल थी मुर्शिदाबाद और इसने ट्रांसफर कर लिया था अपनी कैपिटल देख सकते हैं आप लोग कुछ समय बाद यह व्यक्ति बारूद जमा कर रहा था जिसे डायनामाइट बोलते हैं एक दिन अंग्रेजों का एक ऑफिसर था हैलिस एलिस नाम के आदमी ने मीर कासिम के लोगों को देख लिया भाई बारूद इधर उधर सप्लाई करते हुए है ना बनाते हुए और मीर कासिम के लोगों से ये कहा कि भाई ये बताओ कि हमने नवाब बनाया है कि हमारा फायदा करवाओ और आप बम बना रहे हो तो हमको ये भी पता है कि मारोगे किस पर और कहीं ना कहीं और भाई कहीं तो अटैक करने वाले हो नहीं आप। आपको नवाब नहीं बनाया जाएगा पहले हटो आप नवाब की गद्दी से मीर कासिम ने कहा कि भाई हटा हटा लो हटाना चाहते हो तो हटा लो लेकिन छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में आपको मीर कासिम नवाब के पद से हटा तुरंत बंगाल से भागकर कर पहुंचा अवध अवध के नवाब से कहा देखो सर एक बात बता रहा हूं आपको यदि अगर सर अंग्रेजों का बंगाल पर राज हो गया तो सर ये आपके पड़ोसी हैं आपकी बैंड बजाएंगे बड़े धोखेबाज और मक्कार टाइप के लोग अवध में मीर कासिम ने कहा कि हमारा साथ दो दोनों मिलकर मारेंगे अंग्रेजों को अवध के नवाब ने कहा रुको भाई हमारी निगाह एक व्यक्ति और है जो हमारी मदद कर सकते हैं बात करके आ जाते हैं। अवध के नवाब तुरंत भागकर पहुंच गए डेली के किंग के पास है ना उस टाइम पे डेली का किंग कौन था शाह आलम और अवध का नवाब कौन थाउदौला सुजा, देखो इनको सिराजुद्दौला से कंफ्यूज मत करना ये थे सुजाउदौला है ना तो डेली के किंग से देखो एक प्लान बनाते हैं डेली से किंग से ये गए अवध के नवाब वहां के पास उन्होंने डेली के किंग से कि कहा भाई एक प्लान बनाते हैं कि आपको बैठे बिठाए शासन भाई आप करोगे शान से जियोगे और देखो भाई की हमारा पुराना याराना दोस्ता है एक बार फिर से भाई दोस्ती हो रही है आप सिर्फ हाँ कर दो हम सब मिलके अंग्रेजों को मार देंगे इतना रंगीला जी पीटे थे मोहम्मद शाह रंगीला जी आपका बड़ा सम्मान होगा यदि आपने हरा दिया हमने मिलके तो अगर हम लोगों ने अंग्रेजों की सेना को हराया तो भाई कासिम जो था मीर कासिम थे अवध का नवाब दिल्ली का किंग सब तैयार हो गए लेकिन आपको क्या लग रहा है यदि एक व्यक्ति डूब रहा है तो जाओ बचाने तो बचा लोगे आप दो डूब रहे हैं तो भाई एक जाए तो भी बचाना चाहो तो बचा लोगे लेकिन यदि तीन डूब रहे हो और तीनों एक दूसरे का सहारा लें तो तीनों में से कोई बचेगा पता लगे एक बाहर जा रहा है तो दूसरा पहले का पैर पकड़ के लटक गया डूबना तो तय तीन के तीनों डूबने वाले थे भाई मान लो कि कोई एक अंधा व्यक्ति है और उसको बोला जाए कि एक दूसरा अंधा व्यक्ति आ जाए और बोले कि भाई चलो हमारा रास्ता पार करा दो तो पार करा पाएगा दोनों मरेंगे है कि नहीं तो वही बात यहाँ पे हुई थी और इन तीनों ने मिलकर लड़ने का सोच लिया और लड़े भी और इस युद्ध को क्या कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर इसे ही कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर बक्सर कहां पर है बिहार में मराठों वाली गलती कर गए ये मुगल किंग भी आप लोगों ने पानीपत देखी होगी जो भी मूवी आई थी उसमें आप लोग देखो मराठा महाराष्ट्र से निकलकर पानीपत पहुंच गए लेकिन जो मुगल किंग थे डेली से निकलकर कहां पहुंच गए बिहार पहुंच गए थे अब देखिए जरा इनका बिहार से बड़ा पुराना नाता था एक बार एक व्यक्ति ने मुगल किंग को बहुत सारा मारा था गिरा के पीटा था बिहार का ही था बता सकते हैं कौन था वो शेर शाह हिमायु को हराया था बहुत बुरी तरीके से हराया था बक्सर के युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, थी और उसका कमांडर था मुनरो, और एक तरफ तीन लोग थे और इसमें से एक व्यक्ति का नाम था मीर कासिम जो कि बंगाल से था अगला था अवध से था नवाब और और एक व्यक्ति था आलम और ये क्या था का था का नवाब जब पहुंच गए तीनों बिहार के मैदान में समझ रहे नहीं लोग लेकिन इनका किस्मत भाई इनके साथ नहीं दिया जो इनकी किस्मत थी किस्मत ने इनको साथ नहीं दिया एक तरफ लापरवाह और कमजोर तीन लोगों की सेना और एक तरफ बेहतर ट्रेंड आर्मी ठीक है अच्छा आप लोग तो जानते हो 500 पुलिस वाले लड़े और 50 आर्मी वाले लड़े तो भारी कौन पड़ेगा 50 आर्मी अच्छा और यदि 50 आर्मी वाले की जगह पे 50 बेहतर कमांडर हो तो बात ही अलग हो जाएगी है ना यहाँ पर अंग्रेजों की सेना थी और एक तरफ किसकी सेना थी इन तीनों की सेना थी लड़ाई हुई ढंग से हुई भाई लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि तीन के तीनों भारतीय जो थे अंग्रेज के इस कमांडर से हार गए थे देखो यह या, याद रखना कि यह युद्ध इतना ही निर्णायक युद्ध था जैसे कि एक जगह पर एक साथ खुले मैदान में ओपन फाइट में एक तरफ सन्नी देवल हो ऋतिक रोशन हो गामा वगैरह पहलवान हो अकेले एक ही बार में हरा दें राजपाल यादव को इससे बड़ी बात नहीं है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी बताओ कि एक व्यक्ति अंग्रेजों का कमांडर मुनरों ने हरा दिया इन तीनों को इससे भाई आश्चर्य की बात क्या होगी आप जानते होंगे कि डेली और बंगाल बिहार सबसे ताकतवर एरिया रहा है यहाँ भारत के सबसे ताकतवर किंग बैठते थे चाहे औरंगजेब हो अकबर हो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त यहीं पर होते थे तीनों जगह मतलब कि यहीं पर तीनों में से कहीं पे होते थे मतलब सबसे स्ट्रांग एरिया रहा है तो एक साथ तो हम मानसिक रूप से गुलाम हुए और राजनीतिक रूप से भी राजनीतिक रूप से इसलिए क्योंकि भारत का सबसे बेहतरीन एरिया क्या हुआ चला गया अंग्रेजों को एक ही लोगों ने टक्कर दिया सबसे ज्यादा मराठों ने दिया था लेकिन अंग्रेज जो थे उनमें डाल देते थे समस्या ये हो गई कि आज के बाद तो हम राजनीति के रूप से गुलाम हो ही गए लेकिन मानसिक रूप से भी हो गए मनमोहन सिंह जी के टाइम पर एक कमेंट याद आ रहा है देखो यहां पे तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी पीएम हुआ करते थे एक बार लालू जी पर प्रसन्न हो गए उन्होंने लालू जी से कहा कि भाई मांगो क्या मांगते हो जो मांगे जो मांगोगे आपको मिलेगा लालू जी ने कहा कि भाई देखो सर बिहार पे तो हम राजा हैं, राज, राजा की तरह रहते हैं। तो एक रिकॉर्ड है हमारे नाम पर सर एक रिकॉर्ड और बन जाता तो यदि आप अपनी पी, बन जाता तो अच्छा होता यदि आप अपनी पीएम की सीट पर बिठा कर अपनी गाड़ी से थोड़ा डेली घुमा देते थोड़ा फील होगा कि हमें भी भाई लालू जी पीएम की सीट पर मनमोहन सिंह जी ड्राइवर की सीट पर मोहन मौ, अब भाई देखो घूमने निकले मनमोहन सिंह ने कहा कोई बात नहीं चलो भाई घुमाता हूं निकल गए और एक यूरोप का मीडिया वाला जिस भाई एक यूरोप था मीडिया वाला जिसके यहाँ इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था वह व्यक्ति जानता था कि इंडिया के जो पीएम है बहुत बड़े अर्थशास्त्री उसने आकर इंडिया में लालू जी को पीएम समझकर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कर दिया लालू जी ज्यादा भाई ना थे लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हैं वो समझ गए कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कर रहा है मुझसे ये मुझे मनमोहन सिंह जी समझ रहा है लालू जी बड़े जोर से हंसे बोले क्या छोटे छोटे क्वेश्चन लाते हो मेरे पास डिस्टर्ब करने जाओ इसको तो हमारा ड्राइवर ही सॉल्व कर देगा मीडिया वाला गया ड्राइवर ने सॉल्व कर दिया मीडिया वाला सॉफ्ट जिसका ड्राइवर इतना टैलेंटेड हो उसके पीएम के पास कितना दिमाग होगा मैंने हंसी मजाक में एक स्टोरी बताई आप लोगों को तो यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ आज के बाद हमारे दिमाग में सेट हो गया कि जिसका कमांडर इतना ताकतवर हो आप जानते हैं पूरे भारत में एक शासक जाना जाता था उस टाइम पर मुगल पूरे इंडिया का कोई किंग था तो मुगल इतना बड़ा नाम था तो अकेले मुगलों को हराना इतनी बड़ी बात थी तीन लोग मिलकर हारे आज के बाद इंडिया के लोग अंग्रेजों को बड़े महान समझेंगे और अंग्रेज लोग हमें बड़ा निम्न समझेंगे काला दुनिया भर का बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में लेकिन आज के बाद बताइए कि इनके दिमाग में मतलब कि ये जो ग्रेट समझ लिया गया कि नहीं लेकिन आपको क्या लगता है कि ये महान लोग थे अरे तीन तीन साल तक लाइन लगा कर खड़े रहते थे टाइम मिल जाए किंग मिलने का इंडिया में जब जहांगीर के टाइम पे टाइम नहीं देते थे मुगल किंग लेकिन आज के बाद भारतीयों को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये बाहर के भारतीय इनको महान समझेंगे क्योंकि उनके हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया लेकिन आज के बाद भारत क्या हो गया गुलाम हो गया था अच्छा क्या अंग्रेज भारत को गुलाम बनाना चाहते थे टारगेट ये नहीं था इनका फायदा ही चाहते थे फायदा कैसे लेंगे ये बक्सर के युद्ध के बाद समझ जाओगे आप लोग अभी तक तो मेन टारगेट आप लोगों ने देखा ही नहीं आज के बाद भारत का निरंतर शोषण होगा आप जानते हैं सोने की चिड़िया था यह देश आज के बाद गुलाम है अंग्रेजों ने गुलाम बनाया उन्नीस तक अंग्रेजों के जाने के बाद सारा सोना चले चला गया अब सोने की चिड़िया कहता है कोई सोना बचा ही नहीं तो सोने की चिड़िया कौन कहेगा है ना अगर भारत सबसे गरीब भारत में पहुंचा तो इन्हीं की गुलामी का दौर था और आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत गुलाम नहीं था क्या अंग्रेजों के आने के पहले छह सात सौ साल पहले से गुलाम था सेंट्रल एशिया के लोग हमारे यहाँ शासन करते थे बस वो लोग भारत, को अपना समझा। कभी भारत का प्रॉफिट बाहर भेजा ही नहीं अंग्रेज रहते भारत में थे सारा प्रॉफिट ब्रिटेन भेजते चले जाएंगे और यही इनका टारगेट था जो व्यक्ति अंग्रेजों को भारत का गुलाम करने के बाद आया था मतलब कि जो व्यक्ति था भारत जब गुलाम हो गया तो जो व्यक्ति आया था वह अंग्रेज में सबसे ज्यादा ताकतवर था यदि भारत को साउथ में अंग्रेज कमांडर वो नहीं होता तो भारत में आज कौन होता फ्रांसीसी होते कर्नाटका के युद्ध में नाम याद आया आप लोगों को क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव ये पहला गवर्नर बनकर आया था तो यहां तक के एनालिसिस में आप लोगों ने समझ गए होंगे कि इंडिया पर अंग्रेजों की क्या सोच थी उन्होंने कैसे टारगेट बनाया कैसे उन्होंने गुलाम बनाया भारत को प्लासी से से ले से लेके ये अब तक की स्टोरी एनालिसिस आप आप लोग से पार्ट से आप लोग स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट जाइए पूरा एक एक इनकी थिंकिंग समझ जाएंगे एक एक वीडियो देखिए पूरा थिंकिंग समझ जाएंगे कि इनकी थिंकिंग क्या थी ये कैसे सोचते थे, थे ये कैसे भाई ऐसे लोग कि जिनको तीन तीन साल तक टाइम नहीं मिलता था लाइन लगाकर खड़े रहते थे ये लोग बाहर जाकर कि एक बार भाई मुलाकात हो जाए मुगल किंग से है ना तो और आज देखो भारत को क्या हो गया पूरे तरीके से गुलाम हो गया तो हमारा टॉपिक भी आज का यही तक था आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ था इतने बीच में देखो आप लोग को यदि वीडियो पसंद आ रही है हिस्ट्री के सारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करिए ठीक है और पसंद आ रहा है यदि आप लोगों कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करना है कोई भी सब्जेक्ट पे कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो आप लोग कमेंट में लिखिए जरूर उस पर पूरे एनालिसिस अच्छे से दिया जाएगा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि गुलाम बनने के बाद इन्होंने कैसे आर्थिक शोषण कैसे किया इंडिया का समझ रहे हो आगे देखेंगे क्लाइव ने क्या किया उस गवर्नर उस गवर्नर जो गवर्नर आते हैं हमें सारे गवर्नर नहीं पढ़ने हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर के बारे में पढ़ना है और उनके समय में समाज की स्थिति क्या थी समाज में बुराइयां क्या थी समाज के सुधारक कौन थे समाज कैसे बदला राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई पूरी मॉडर्न हिस्ट्री अभी तो एक शताब्दी पूरी बची हुई है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग कभी भूल ही नहीं पाओगे आप लोग वीडियो देखते रहिए स्टार्टिंग में सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को ये बंगाल में क्या करने लगे लोगों से टैक्स लेने लगे उसी टैक्स से यहाँ का मसाला खरीदने लगे और बाद में यहाँ का जो प्रॉफिट होता था वो कहाँ पे भेजने लगे ब्रिटेन में मतलब इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा है बल्कि यहाँ से हमेशा क्या हो रहा है ब्रिटेन को हमेशा सप्लाई हो रही है मसालों की चीजों की है ना प्रॉफिट सारा कहाँ पे जा रहा है ब्रिटेन में और जब लगातार शताब्दियों तक इसका शोषण होता रहेगा तो क्या होगा इंडिया में कुछ रह पाएगा शोषण ही तो होता रहेगा इसका तो ठीक है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक पढ़ेंगे या आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सपोर्ट कीजिए ठीक है तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को थैंक यू